हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। उस एक तरीके से दोस्तों आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि यार मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको लगता है कि मैं सिर्फ 50% या 60% ही ला सकता हूँ या तो मैं पास भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट रेडी हो जाओ, आपका भाई आपके लिए ला चुका है जेन्युइन तरीका, एकदम स्मार्ट तरीका। तो दोस्तों बस निवेदन ये है कि आप पूरा वीडियो को देखें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, स्किप ना करें। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात करता हूँ सिर्फ एक तरीका। दोस्तों आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके पास 2 महीने में हैं। अभी तक आपने अगर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना, एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये तो छोटी सी बात है, ये तरीका नहीं है, ये बात है कि आपको ये करनी है कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर नहीं लेना, एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी कि एग्ज़ाम होने वाला है, सब्जेक्ट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या करूँगा, कैसे एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा, कितने मार्क्स आएंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, क्या रेगुलर कॉलेज मिलेगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या करूँ यार, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है, एकदम माइंड रिलैक्स रखना है पहली बात। और अब दोस्तों आपको स्टडी करनी है कि अब आपको ऑफलाइन स्टडी करना बंद कर दो, ऑफलाइन स्टडी अब मत करो, आपके पास 2 महीने हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा ही बंद कर दो, मतलब ये है कि ऑफलाइन स्टडी आप कम करो, ऑफलाइन स्टडी में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा मत बर्बाद करो। अगर आप दोस्तों 3 घंटे स्टडी करते हो ऑफलाइन, तो दोस्तों फिर आपको करने के बाद, स्टडी करने के बाद आपको फील होगा थकान, आपको थकान महसूस होगा, आप सोचोगे यार मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। फिर आप पूरा दिन बुक उठा कर देखोगे, फिर आप सो जाओगे, फिर आप सुबह उठोगे तो फिर आप भूल जाओगे। तो इससे बेटर तरीका है कि एक तरीका कि आप ऑनलाइन स्टडी करो, ऑनलाइन स्टडी जाओ उस पर। ऑनलाइन पर दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोफेशनल टीचर बैठे हैं जो आपको अच्छे तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आपको कोई से भी सब्जेक्ट, किसी भी सिलेबस से आपको सब्जेक्ट है नहीं आता, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप अगर दोस्तों कीवर्ड का यूज करके सही से इस्तेमाल करोगे, top 10 question फॉर CBSE के एग्जाम एंड top 10 books, अगर आप अच्छे से ऑनलाइन स्टडी करोगे, अगर आप अपने सिलेबस को समझना चाहते हो तो ऑनलाइन स्टडी करो। एक दिन में वीडियो देखो, एक दिन में 5 घंटे यूट्यूब पर वीडियो देखो, ऑनलाइन स्टडी करो। अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप 50 ला रहते हो, 50% लाने की क्षमता रखते हो, तो आप 70 लाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने YouTube पे वीडियो तो देखेंगे, हम अगर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, अगर हम 5 घंटे कुछ वीडियो देखते हैं, तो उसका दोस्तों 70 से 80%, मतलब कि 70 से 80% दोस्तों हमें उसका याद रहेगा। अगर हम ऑफलाइन वीडियो कर अगर हम ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो हमें समझ में कम आएगा, हम उसको भूल जाते हैं। तो बस आपसे बस छोटी सी वीडियो थी, एकदम छोटी सी वीडियो, लेकिन फिर भी एक बोनस टिप्स दे देता हूँ। बोनस टिप्स ये है कि आप अपना सेलफोन बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, दोस्तों से बातचीत करना थोड़ा कम कर दो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इन 2 महीने का स्टडी नहीं करी, इन 2 महीने की वैल्यू नहीं समझी, तो ये 2 महीने आपको आने वाले फ्यूचर वाले डे में, रिजल्ट डे में आपकी लाइफ बता देगा कि आपकी लाइफ क्या है, उन 2 महीने की वैल्यू क्या थी। तो समय आपको एक दिन बता देगा, ये जो आप पबजी गेम खेलते हो ना फ़ोन में, एक दिन आपकी ज़िंदगी गेम हो जाएगी। तो बस यही बोनस टिप थी कि फ़ोन बंद करो और दोस्त फ्रेंड्स मत करो, थोड़ा एकदम डिसिप्लिन में रहो। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अपने भाई के चैनल को।